चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पैसे खाली जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है, ना रोजगार है ना कुछ है, बस अपना आते हैं 2 रुपए लगा के अपना नहीं चल जाते हैं 10-11 बजे, कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर मजदूरी नहीं मिलती फिर उसके बाद क्या होता है, कहाँ जाते हैं, बताओ क्या करते हैं, भूखे मरते हैं लोग, क्या करते हैं। सिलेंडर कर दिया 1100 रुपए का, वो जो कमाई करेगा वो 2 दिन की कमाई तो सिलेंडर वाले को देगा। अब पहले तो किसान फांसी लगाते थे, फिर अब मजदूर मिस्त्री लगाने लग जाएंगे। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में है और जहाँ पर हम मजदूर फट्टे पर खड़े हैं, जहाँ पर आपको दिखेगा कि बहुत सारे जो मजदूर हैं वो काम के लिए यहाँ आए हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे और पता करेंगे कि क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है और किस तरह से दिहाड़ी मजदूरी उनकी हो रही है। तो क्या नाम आपका? साइड में आ जाइए, साइड में आ जाइए। कब से मजदूरी चल रही, क्या हाल स्थिति क्या है अभी? भाई बेकार हो रही स्थिति तो। हाँ जी, अपना खल्ली जाते हैं पट्टे पे। सादा भेजी पट्टे पे से खल्ली जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है, ना रोजगार है ना कुछ है, बस अपना आते हैं 2 रुपए लगा के अपना नहीं चल जाते हैं 10-11 बजे, कुछ नहीं है यहाँ पर। क्या क्या रेट चल रहा है मजदूरी का? मजदूरी का 450 का रेट चल रहा है। पहले मजदूरी मिल जाती थी, अब नहीं मिलती सर। अब तो जो है मजदूरी भी कोई 300 बता रहा, कोई 400 बता रहा है, फिर वहाँ जाकर ड्राने करें, देखते नहीं लोग, बहुत परेशान है। हर चीज की महंगाई चल रही बहुत ज्यादा। यहाँ कुछ काम बताते हैं, वहाँ कुछ पता है जी। इधर वो कैमरा, इधर। तो ये बताओ कि जैसे आप महंगाई की बात कर रहे हो, कितना असर पड़ रहा है काम मजदूर पर? हाँ जी बहुत पड़ रहा है जी, बहुत है, बहुत। घर में आटा भी नहीं ले जाने का, काम का भी आटा ले जाते हैं। अगर मजदूरी नहीं मिलती फिर उसके बाद क्या होता है, बताओ क्या करते हैं जी, भूखे मरते हैं लोग, क्या करते हैं? महंगाई का असर पड़ रहा है आपके परिवारों पर? हाँ महंगाई का तो असर है ही है जी। महंगाई में तो देखो 700 रुपए कमावे हम, जब मेरे जीवन में 50 रुपए बच रहे हैं। इसमें कुछ तेल ताल बुक लिया कुछ जी, मतलब कि पेट्रोल सेट्रोल बुक गया जी भाव जी, ये 100 का तो पेट्रोल बुक जाता है आराम से, और 650 रुपये में गया था जी कल में, 700 मिल जाए जी कभी कदा। तो आप राजमिस्त्री? हाँ जी। तो वैसे क्या रेट है राजमिस्त्री? 700 रुपये जी। हाँ बड़े भैया क्या नाम आपका? कब से आप मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी का 15-16 साल हो गए जी। बदला है मजदूरों के जीवन में? मजदूरी का जीवन, मजदूरी तो बड़ी बस यार। हाँ 400-450 रुपये हो जाए। सबको काम मिल जाता है? नहीं बाजू को मिल जाए, ये घर जाते हैं। हाँ जी 450 रुपये तो जो मैंने कर रखी, 450 रुपये जो है मजदूरी चल रही जो, हर बस वो तो हिसाब है, कोई लेना जा मजदूरी तो चले जाने, घर चले जा, फिर पता क्या करें, मजदूरी को तो दिक्कत ही बनी रही। आपके लिए सरकार कुछ मदद करती है? मदद के बाद मदद तो कुछ भी नहीं कर रही जी, जब मदद करते फिर काम पर न लगते जी। ऐसे कई सरकारी योजना चलाई जाती है मजदूर? कोई नहीं, मिलते नहीं बिल्कुल भी। अजी सरकारी योजना कहाँ पे मिल पा रही है? कोई सरकार से कोई योजना नहीं मिलती है जी, मजदूरी कार्ड बन रहे हैं सबके, कोई नहीं मिल रहा है जी सर, सारा काम हो रहा, कुछ नहीं। मजदूरी कार्ड बना रखे है सरकार ने, कुछ नहीं मिलती योजना। नाम तो है प्रदीप जी। प्रदीप अच्छा भाई, दूसरी बात, यहाँ काम कोम कुछ है नहीं है, बेचारे नहीं चले जा, और जो ले भी जावे तो वो उसे जान मारनी चाहे, उसकी मजदूरी पूरी भी नहीं देना चाहता। अच्छा भाई 300-400 रुपये में धक्का करके ले जाएंगे, यहाँ 1 घंटा के लेट हो जावे 300-300 में भी यहाँ आदमी जाने को तैयार है, और मजदूरी वहाँ भी नहीं मिलती, और घास तोड़ ले किराया लगा कर आते हैं उनका क्या होता है? वो किराया लगा के आते हैं, मैं तो अपने घर से ही लगा के आवा है, अपने घरों ही चले जा, भूखे प्यासे जो किसी पर 10 रुपये हो वे खर्च कर ले, जिस पर नहीं होते वो बेचारा कुकर ना कुकर लटक सटक कर जावा होगा अपने घरों, घर तो पकड़ेगा अपना। सिलेंडर कर दिया 1100 रुपये का, वो जो कमाई करेगा वो 2 दिन की कमाई तो सिलेंडर वाले को देगा, और बिजली का यूनिट बढ़ा दिए 7 रुपये, गरीब आदमी कहाँ से देगा 7 रुपये पॉइंट लगा दिया, फूंक में कितनी फूंकेगा? अच्छा भाई वो गरीब आदमी कहाँ से देगा, वो तो चोरी या डकैती करेगा फिर बाद में। इस चीज की तो जो है जी परेशान तो सारे ही है, अगर कोई 400 में तय होगी किसी के पास जाके 300 में जाने के लिए तैयार है, क्यों जाने के लिए तैयार है? क्योंकि उसके घर में खाने के लिए नहीं है, कोई किराए पे फिर रहा, कोई वैसा है, कोई मजबूर है, किसी के घर में खाने को है या नहीं है, क्या पता क्या प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ धक्के खत्ते फिर रहे सब। कोई व्यवस्था नहीं करता आपके काम की रोजाना काम? कोई वैसी व्यवस्था कुछ नहीं है,
एक दूसरे की मार काट है और कुछ नहीं है, ऐसी मार काट है कि जो 500 में जा रहा तो मैं 400 में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं 400 में जा रहा तो 300 में जाने के लिए तैयार है। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है जी। तो ये चीज़ें सुधर कैसे सकती है, आपकी क्या मांग हो सकती है इस चीज़ को? सुधर तो यह सकती है अगर एक आदमी यहाँ लीडर बने और वो खड़ा होवे और सारों को एक नंबर वार सिर भेजे काम पे, तो स्थिति बदल सकती है। यूनियन नहीं, आपकी यूनियन नहीं है कोई? यूनियन कोई नहीं है, कोई यूनियन मानता नहीं, ना कोई यूनियन बनाता। एक दफे रजिस्टर्ड आरबी आए थे, उन्होंने भी यूनियन बनाई थी, फिर वो यूनियन भी नहीं बनी, आज भी नहीं पता। ये बताइए कि आगे रास्ता क्या निकलेगा अगर ये स्थिति चलती है? महंगाई भी बहुत हो गई है, उसका भी असर पड़ता है। आगे रास्ता तो ये निकलेगा, पहले तो किसान फांसी लगाते थे, फिर अब मजदूर मिस्त्री लगाने लग जाएंगे। बस जब उन्हें खाना नहीं मिलना, उन्हें कुछ चीज नहीं मिलनी, तो आखिरी रास्ता जहर और फांसी है। हम लोग उत्तर प्रदेश में थे, जिला शामली में, जहाँ पर हमने दिहाड़ी मजदूरों से बात की और जानने की कोशिश की उनकी आजीविका कैसी चल रही है। चलचित्र अभियान से जुड़े रहे और उत्तर प्रदेश से खबरें आपको आती रहेगी। धन्यवाद।